4 दिन के लगातार प्रयास के बाद आज फाइनली मैं 12 बजे उठ गया। आपको टाइम भी दिख रहा होगा इसमें, अभी टाइम हुआ 12:10। ये 12:12 हो चुका टाइम, तो शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। स्टार्ट विथ आवर न्यूज़पेपर। अब सबको एक चीज दिखाता हूँ, ये कीड़ी देख यार, तो शुरू हो गए कि जहाँ करो कहेंगे भी है। सारी सारी कीड़ी जान लाग रही है। कीड़ियाँ देख कर एक बताओ वहाँ कि जहाँ है, फिर देख क्या ये सारी कीड़ी इसमें बढ़ रही है चावड़ा में, मेरे सारे में चावड़ खराब कर दिए इनने। और मैंने सोचा था कि अगर साफ सफाई रखूँ अंडर सफाई में जितनी तो कीड़ी कम आऊंगी। कोई नहीं भाई, कीड़ी आ गई तो ही मैं क्या कर सकूंगी, ये तो हो गया खराब। नुकरा के नबार दर देंगे, कोई पक्षी खा लेगा इन्हें, चिड़िया चुड़िया है या फिर जो भी बार वो इन्हें खा लेगा, तो इन्हें ध्रुव में बारी भी। तो फिर अपने पढ़ाई का हो गया टाइम, तो ये पढ़ूंगा फिजिक्स करनी है, जो फिजिक्स नहीं सॉरी हिस्ट्री। हाँ हिस्ट्री के 3 चैप्टर बचे, रिविजन कर, उनका रिविजन करके अगर वो रिविजन पहले हो गए तो कवर कर लूंगा अगला चैप्टर, ना तो फिर अपना जो अगला सब्जेक्ट शुरू कर दूंगा। हिस्ट्री के 3 चैप्टर जो बचे हुए थे वो हो चुके हैं, और जो रेफरेंस बुक हमारी उसका 1 चैप्टर मैंने आगे कंटिन्यू कर दिया, यानी कि जो बेसिक चैप्टर थे ना उस बुक के वे पूरे हो गए हैं। उसके बाद जो फिजिक्स फिजिक्स का रिविजन तो कल ही हो गया था, आज थोड़ा आगे कंटिन्यू किया है, तो आज थोड़ा सा इसका 2 क्वेश्चन बच गए, यानी कि टाइम तो टाइम टेबल के अनुसार जो 2 घंटे थे वो तो इसके पूरे हो गए, लेकिन 2 क्वेश्चन इसके बच गए जो कि कल करूँगा। ये 2 क्वेश्चन पूरे होने के बाद तो न्यूमेरिकल पोर्शन बच जाएगा, वो कल से हम अपना न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू करेंगे। ये टाइम है मैथ पढ़ने का, यानी कि हमारा जो मैथ चल रहा है वो 8th क्लास की NCERT मैथमेटिक्स वो कर रहा हूँ, यानी कि दूसरा चैप्टर में आया हूँ, उसका रिविजन चल रहा है उसका दूसरा चैप्टर का, यानी कि ऑलरेडी मैंने उसके 3 चैप्टर कवर कर दिए थे, यानी कि एक दिन में 3 चैप्टर हो गए थे। तो पहला चैप्टर मेरा रिविजन हो गया था, दूसरा चैप्टर का रिविजन चल रहा है, तो दूसरा चैप्टर जो हमारा जो लीनियर इक्वेशन है तो उसका रिवीजन चल रहा है, यानी कि उसका ऑलमोस्ट आधा आधा रिवीजन हो गया, तो आज वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो बाद में देखते हैं, उसके बाद अपना इंग्लिश करेंगे। तो मिलते हैं आफ्टर मैथमेटिक्स के बाद। नाउ आई हैव कंप्लीटेड द पोर्शन ऑफ मैथ एंड इंग्लिश। मैथ मैनेजर का जो 2nd चैप्टर था हमारा इक्वेशन वो पूरा हो गया, और जो 3rd चैप्टर है वो थोड़ा बहुत शुरू हो गया अपना, यानी कि 3rd चैप्टर हमारा क्वाड्रेटिक। और जो इंग्लिश की जब हम बात करते हैं, इंग्लिश में हमारा जो प्रेजेंट टेंस है और जो पास्ट टेंस है वो पूरा हो चुका है, और जो 3rd टेंस है हमारा फ्यूचर टेंस, उस टेंस में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट कंप्लीट कर लिया है। सो कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो अभी लगी है भूख, थोड़ा कुछ खा पी गए, फिर जो हमारा जो पेपर बच गया था मॉक टेस्ट उसको पूरा करूंगा। आई होप आज जो पेपर पूरा हो जाएगा, आज पेपर पूरा हो गया तो कल उसका रिवीजन करूंगा पूरे का पूरा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डे है अगला मॉक टेस्ट दूंगा, देन एक्सरसाइज। तो मिलते हैं थोड़ी देर में।